तैयारी है लोगों के लिए लगातार तैयारी। ए इसको लोड करवाइए गाड़ी में लोड करवाइए। जब तक इन नेताओं का पाप का बोझ इस जनता को मरने पर मजबूर करेगा और आंसू बहाता रहेगा, तब तक पप्पू यादव एक माँ की तरह अपनी जान भी, मैंने पहले भी बोला, माँ और बच्चों का रिश्ता है मेरा, मेरी पागलपन में माँ और बच्चों का रिश्ता है मेरी जिंदगी। ये आज कल भी 7,000 दूध, आज 10,000 पैकेट दूध हर बच्चों, और वो बच्चियों के लिए, माँ बहन के लिए, जो आज सबसे ज्यादा महामारी में पैड की जरूरत, उस पैड मतलब पैड आज बच्चों, मतलब सरकार को चाहिए था, इस महामारी में बेटियों माँ को सबसे ज्यादा दिक्कत यदि किसी चीज की होगी तो पैड की दिक्कत हो, और आज हर घर तक पैड पहुंचाना है। मेरी महिला टीम हर महिलाओं को पैड पहुंचाएंगी। कल से मेडिकल कैंप मेरा परसों से शुरू हो जाएगा। ये एक नहीं, ये आप जो देख रहे हैं, ये डेली इतना आता है, डेली इतनी खपत होती है, ये जो आप देख रहे हैं, ये डेली आप इस चीजों को देख रहे हैं, मतलब 10,000 डेली पानी। उधर आप पीछे देखिएगा, मतलब ये कोई पूंजीपतियों का नहीं है, उद्योगपतियों का नहीं है, ये वर्कर और आम आदमी के द्वारा दिया हुआ, जो आम आदमी जो भेज रहे हैं मैं उसको दे रहा हूं। ये पप्पू यादव को मत पूछिए। अब ये ट्रैक्टर, ये जेसीबी, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये सब ये कोई पप्पू यादव ने को मत समझ लीजिएगा। हम जीते ही हैं कॉमन आदमी के भरोसे, आम आदमी के भरोसे, तो इसीलिए अब चले, फिर अब 9 बजे रात में लौटेंगे और ये जिंदगी अनवरत चलती रहेगी। जब तक पटना के हर लोगों के दर्द में शेयर नहीं होगा, हर बच्चे और माँ तक, तब तक बैठने वाला नहीं।